ये बता, नाखून किया तू? नो क्या, नो नो मर्डर किया? नो जान के मारा, एक दो नहीं, नो मर्डर किया। हाँ नो क्यों, चलो आ जाए। दोस्तों, मुंबई शहर हमेशा से ही अपनी तेज जिंदगी और उसकी भाग दौड़ के लिए 24 घंटे भागता रहता है, जिसमें रुक जाने के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन 60 के दशक में मुंबई में एक ऐसा इंसान आया जिसने पूरी मुंबई को आधी रात से पहले तक सब कुछ समेट कर अपने अपने घरों में सिमट जाने को मजबूर कर दिया था। वो इंसान ना तो कोई डॉन था, ना कोई माफिया का आदमी, ना कोई, बल्कि वो एक आम सा दिखने वाला हिंदुस्तानी था जिसने बिना किसी ऑटोमेटिक गन और बॉम्ब के पूरी मुंबई को अपनी दहशत के तले जीने को मजबूर कर दिया था, जिसका नाम था रमन राघव। जी हाँ, वही रमन राघव जिस पर अनुराग कश्यप ने बाद में फिल्म भी बनाई। आज के इस वीडियो में हम आपको उसी सीरियल किलर की कहानी सुनाने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। मुंबई में अहमदाबाद रोड के किनारे मलाड का स्लम इलाका। 1960 के दशक में बरसात का मौसम था और एक साय जैसा तगड़ा आदमिया घूम रहा था। उसके हाथ में लोहे की एक भारी रॉड जैसा औजार था। एक खुड़साल के पास उसे एक झोपड़ी दिखाई थी जिसके बाहर के हिस्से में एक दाढ़ी वाला आदमी सो रहा था। वो समझ गया था कि ये कोई मुस्लिम है। झोड़ी में संकल भी नहीं लगी थी। बरसात इन इलाकों में काफी शोर मचाती थी, इसलिए सोते हुए आदमी को कोई आहट महसूस नहीं हुई। साये जैसा आदमी इस सोते हुए आदमी के पास तक आ गया। उसने झोपड़ी के अंदर झांक कर देखा तो कुछ सामान दिखाई दिया। झोपड़ी के भीतर दाखिल होने से पहले इस आदमी ने अपनी भारी छड़ से सोते हुए आदमी के सिर पर जोर से मारा और वो कुछ ही सेकंड्स में उस आदमी ने तड़प कर दम तोड़ दिया। फिर वो झोपड़ी के भीतर घुसा और एक डिब्बे से पैसे निकाले और उस डिब्बे को अपने बैग में रख लिया। फिर उसने उस झोपड़ी से एक छाता, एक टॉर्च उठा ली और बाहर निकला। बाहर निकलकर उसने लाश को देखा और उसकी कलाई पर बंधी खड़ी भी उतार ली। फिर ये सायानुमा आदमी वहां से धीरे धीरे ओझल हो गया। ये थी वो पहली घटना जिससे रमन राघव ने अपनी सीरियल किलिंग के सिलसिले को शुरू किया था। दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं साल 1968 से। मुंबई पुलिस को बोरीवली इलाके में एक मर्डर की जानकारी मिलती है। पुलिस जब लाश को देखती है तो पता चलता है कि मरने वाले के सिर पर बहुत जोर से मारा गया। आसपास के झोपड़ी वालों ने अंधेरे का हवाला देते हुए कहा कि वो किसी को नहीं देख पाए। इसके बाद ये केस यहीं दब गया। लेकिन कुछ समय बाद ही मलाड के पास एक और लाश बिल्कुल ऐसी पाई जाती है। यहाँ भी झोपड़े के बाहर सोने वाले एक इंसान को बिल्कुल उसी तरह मार दिया गया था। इन दोनों मर्डर के आपसी कनेक्शन से पुलिस तो इनकार करती है, लेकिन कुछ दिन बाद जब मलाड में एक पूरे परिवार का ऐसे ही कत्ल हो जाता है, इस बार लेकिन कातिल का हथियार और छाता वहीं छूट गया था, इसलिए पुलिस को सुराग मिल गया। हथियार एक लोहे की रॉड थी जिसके निशान कुछ दिन पहले मिली उन दोनों लाशों पर भी देखने को मिले। अब पुलिस इन सब मामलों को एक एक करके देखने लगी जिनमें सारे पॉइंट सेम दिखाई देते हैं। हत्या की इन खबरों ने मुंबई को दहशत में ला दिया और लोग अपने अपने घरों में रात होते ही बंद होने लगे। इन सब बातों को देखते हुए केस CID को सौंप दिया गया और CID में इस केस को देखते हैं रमाकांत कुलकर्णी, जिन्होंने मामले को गंभीरता से समझते हुए भारी मात्रा में पुलिस वालों की तैनाती कर दी थी ताकि वो लोग इस कातिल को रात में पकड़ सकें। इसी बीच एक पुलिस इंस्पेक्टर जिनका नाम रमाकांत वकटकर था, उनको याद आता है कि 2 साल पहले यानी करीब 1966 में बॉम्बे के बाहरी इलाके में ऐसी घटनाएं हो रही थी जिसमें 19 लोगों पर सोते हुए हमला किया गया था जिसमें से 9 लोगों की मौत हो गई थी। वकटाकर ने DCP को बताया कि एक रात उन्होंने एक संदिग्ध को उसी हत्या के केस में पकड़ा था जो रास्ते पर बेखौफ रात में टहल रहा था और उसकी जेब से एक डायरी मिली थी जिसमें लिखा था खत्म खल्लास, जिस वजह से वो उस आदमी को पकड़ के लाए। तब उसने अपना नाम रमन राघव बताया था, लेकिन बहुत ज्यादा टॉर्चर करने पर भी उसने ये नहीं कबूला कि उसी ने ही सारे कत्ल किए। इसीलिए उस समय इंस्पेक्टर ने रमन को 2 साल के लिए मुंबई से तड़ी पार कर दिया, ये कहते हुए कि अगर मुंबई में दिखा तो सीधा जेल में जाएगा, जिसके बाद वो हत्या के मामले बंद हो गए थे। लेकिन 2 साल बाद यानी 1968 में फिर से सिलसिला शुरू हो गया, यानी संभव है कि ये वही शख्स हो। इसके बाद जब रमन के रिकॉर्ड को चेक किया गया तो उसमें पता चला कि उसे चोरी के इल्जाम में सजा हुई है और वो तमिलनाडु का रहने वाला था जिसका जन्म 1929 में तमिलनाडु में हुआ था, जहां से वो एक मिल में काम करने के लिए मुंबई में आ गया था। रमन राघव की पूरी हिस्ट्री खंगालने के बाद जब रिकॉर्ड में जमा उसके फिंगरप्रिंट्स को लाश पर मिले फिंगरप्रिंट से मैच करवाया गया तो फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए दोस्तों। इसके बाद तो रमन राघव की तस्वीर को मुंबई के हर पुलिस स्टेशन में भेज दिया गया ताकि जल्द से जल्द ऐसे शख्स को पकड़ा जा सके। इसके बाद कत्ल की एक और घटना उसी इलाके में होती है, जिसके बाद जब पुलिस उसकी तस्वीर आसपास के लोगों को दिखाती है तो उसमें से एक महिला बताती है कि ये तो अन्ना है जिसे कुछ दिन पहले इसने देखा था।
महिला से अन्ना यानी रघमन राघव का ताजा उलिया नोट कराकर पुलिस सब जगह फैला देती है। तभी एक पुलिस वाले को बिल्कुल वैसा ही दिखने वाला शख्स भिंडी बाजार के पास दिखता है, जिससे जब उसका नाम पूछा जाता है तो वो सिंधी दलवाई बताता है। पुलिस वाला जब रमन के रिकॉर्ड को देखता है तो उसमें उसका एक और नाम मिलता है जो सिंधी दलवाई था, इसीलिए वो उसे पकड़ कर अपने साथ ले जाते हैं और रमन भी चुपचाप बिना किसी विरोध के उनके साथ चला जाता है। वहां सबसे पहले उसके फिंगरप्रिंट को मैच करवाया जाता है। मैच करवाने के साथ ये पता चल जाता है कि जो हथियार और सामान बरामद हुए हैं उस सब पर उसकी उंगलियों के निशान थे। इसके बाद फिर उससे पूछताछ को फिर से शुरू किया गया, लेकिन रमन ने पिछली बार की तरह इस बार भी मुंह नहीं खोला। पुलिस को ये तो पता था कि इसे मार पीट करके कुछ भी बुलवाया नहीं जा सकता है, इसीलिए उन लोगों ने रमन को प्रेम से समझाने की कोशिश की। 2 दिन बीत गए थे, लेकिन जब बातचीत से कुछ हासिल नहीं हुआ तो पुलिस ने उससे पूछा, तुम्हें कुछ चाहिए? ये बात सुनते ही रमन के कान खड़े हो गए। उसने तुरंत बोला, मुर्गी। शुरुआत में पुलिस तो नहीं समझी, लेकिन बाद में पता चला कि वो चिकन खाने के लिए बोल रहा है। इसके बाद उसके लिए 2 बार चिकन करी पास के ढाबे से मंगवाया गया। 3री बार जब पुलिस ने फिर पूछा और कुछ चाहिए, तो उसने फिर बोला कि उसे एक नारियल का तेल, कंघी और आईना चाहिए और एक वैश्या जिसके साथ वो सो सके। पुलिस ने वैश्या की बात नहीं मानी, लेकिन उन्होंने रमन के लिए नारियल का तेल, कंघी और आईने की व्यवस्था कर दी। रमन ने नारियल के तेल से पहले अपने बालों में, फिर अपनी पूरी बॉडी में लगाकर वो खुश हो गया। उसने फिर कंघी की, अपने बाल झाड़े और बोला, अब पूछो क्या पूछना है। इसके बाद 2 साल पहले से लेकर 1968 तक के हर मर्डर की पूरी जानकारी उसने पुलिस को दी। उसने पुलिस को बताया कि उसे इन लोगों को मारने के लिए भगवान ने भेजा है। उसने पुलिस के सामने अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए। इसके बाद 1969 में 7 न्यायालय ने रमन को मौत की सजा सुनाई, लेकिन इसके बाद जब ये केस मुंबई हाईकोर्ट पहुंचा, जहां हाईकोर्ट की 3 साइकेट्रिस्ट की एक टीम ने रमन को परखा और उन्होंने पाया कि इंसान क्रॉनिक पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी से पीड़ित है, जिसमें इंसान को ये नहीं पता होता है कि वो जो कर रहा है वो सही है या गलत। इसके बाद हाईकोर्ट ने रमन राघव की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। जेल में करीब 8 साल 1995 में किडनी फेल होने के कारण रमन राघव की मौत हो गई और इसी के साथ मुंबई के इस खौफनाक सीरियल किलर की कहानी खत्म हो गई। दोस्तों, आप रमन राघव की कहानी के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।